प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संदीप आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस एसकेएस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा, उनके जनक तथा विज्ञान की शाखाओं तथा विज्ञान के शाखाओं के जनक के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेके आया हूँ। इसको पढ़ना आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं विज्ञान का परिभाषा पढ़ने की, ठीक है। देखिए विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा जो है, विज्ञान वह क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान है जो भली भात प्रेक्षित सत्यापित सुव्यवस्थित यौन वर्गीकृत प्रेक्षणों पर आधारित होता है, तो विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, ओके। आधुनिक विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो गैलीली, ठीक है। आप देखिए विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की मुख्य शाखाएं निम्न हैं। नंबर एक पे है खगोल विज्ञान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। नंबर टू पे है भूगोल, भूविज्ञान, जियोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान बायोलॉजी, जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, भौतिकी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो इतनी सारी विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है, और इन क्या करेंगे, विस्तृत पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन सभी विज्ञान को हम विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए विस्तृत रूप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर वन पे क्या था, खगोल विज्ञान, ठीक है, खगोल विज्ञान, ठीक है। इसके अंतर्गत ग्रहों, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि उपग्रहों, तारा तारामंडलों आदि का आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, ओके, ठीक है। इसके जनक हैं निकोलस कापरनिकस, निकोलस कापरनिकस, ओके। नेक्स्ट है भूविज्ञान जियोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी नदी पर्वत चट्टान आदि की बनावट के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, ओके। इसके जनक हैं जेम्स होटन, ओके। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जूलॉजी। यह जीवन तथा प्राणियों के संबंध संदर्भ में अध्ययन की शाखा है, ठीक है। यह जीवन तथा प्राणियों के संदर्भ में अध्ययन की शाखा है, जीवन और प्राणियों के संबंध, जीवन और प्राणियों के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में अध्ययन की एक शाखा है। इसके जनक जो हैं अरस्तु हैं, ओके। वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनी, ओके। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इनके जनक हैं थियोफ्रेटस, ठीक है। बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत क्या आते हैं कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके जनक है थियोफ्रेटस, इसके जनक कौन है, थियोफ्रेटस। नेक्स्ट है फिजिक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, हिंदी है भौतिकी, ओके। इसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा तथा उनकी तुल्यता आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ओके। द्रव्य ऊर्जा उनकी तुल्यता आदि का अध्ययन किया जाता है। इनके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स के जनक कौन होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। इसमें विभिन्न पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, उपयोग बनाने की विधियों तथा परस्पर होने वाली क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान को जो की परिभाषा में क्या होता है कि गुणधर्म, संगठन, उपयोग बनाने की विधियों तथा परस्पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ओके। इनके जनक हैं लोजियर, ठीक है, इनके जनक हैं लोजियर, एंटोनियो लोजियर, ओके।
ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूँ। दोस्तों एंड प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी नॉलेज दिया हूँ। अगर वीडियो को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना भूलिए मत। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।